नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल के निर्देशानुसार आज दिनांक 31/2020 को समय 12:30 पर सिकोहाबाद शहर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। यह फ्लैग मार्च बकरीद एवं रक्षाबंधन त्योहार को लेकर की गई, जिसमें शहर की समस्याओं को जाना गया। इस फ्लैग मार्च को सफल बनाने के लिए सिकोहाबाद SDM देवेंद्र सिंह, CO इंदु प्रभा एवं पुलिस प्रशासन रहा उपस्थित। इस फ्लैग मार्च को प्रशासन ने थाने से लेकर पक्का तालाब, इटावा रोड, रुकनपुरा मोहल्ला होते हुए समाप्त किया। घरों के अंदर कोई भी खुले कुर्बानी नहीं देगा, और उसके बाद कुर्बानी के जो बाद जो ये बांटते हैं उसमें भी अनावश्यक रूप से नहीं घूमेंगे, अपने अपने ही घरों का अपने घर में खाएंगे, अनावश्यक इधर-उधर नहीं जाएंगे। क्योंकि शनिवार की बकरीद है, उसकी टोटल बंदी का दिन है, लोग अनावश्यक अपने घरों से नहीं निकलेंगे। इसके अलावा हर चौराहे पर पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी मस्जिदों के आसपास, और हमने 8 मोबाइल पार्टी बनाई है जो लगातार भ्रमण की रहेंगी और देखेंगे किसी का भी भेदभाव ना हो, और लोगों के साथ में निर्देश है उसके पालन करते हुए अपना त्यौहार मनाएं, और पुलिस और प्रशासन इसके लिए उनका सहयोग करने में तत्पर है। सर, अगर अगर फोर्स की बात करें तो जो कल ईद का त्यौहार मनाया जाएगा कल, तो फोर्स की किस तरह की व्यवस्था की गई और क्या क्या खास रहेगा कल फोर्स को अगर बात करें? मैंने जैसे आपको बताया कि जो फोर्स है हमारे पास स्टेशन ही है, और सभी मस्जिदों के आसपास जो हमारे इंपॉर्टेंट चौराहे हैं वहाँ सभी पे फोर्स लगाई जाएगी, फोर्स को पार्टी दिखाई जाएंगी। इसके अलावा हमने 8 मोबाइल भी बनाई हैं, 22 है तो दो हमारे जो आरक्षी हैं वही निरंतर भ्रमणशील रहेंगे ताकि कहीं से विभाग ना हो। ईद का त्यौहार है, उसके बाद रक्षाबंधन है, लगातार जो पर्व है उसके बाद अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो किस तरह के लोगों को संदेश देते नजर आ रहे हैं सराजा शहर में? अच्छा, कि आप कह रहे हैं कि कई सारे त्यौहार लगातार हैं हमारे, जुमा है, कल ईद है, फिर रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, फिर हमारा स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, तो कई सारे हमारे त्यौहार आने वाले हैं। मद्देनजर रखते हुए के साथ में और ये मार्च कर रहे हैं, सभी लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और सभी को समझाया जा रहा है कि जैसे पिछली ईद पे जो व्यवस्थाएँ रही थी कि अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ी जाएगी, अनावश्यक भीड़ लगाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं और लोगों में एक सुरक्षा का भाव भी बना रहेगा, कोई दिक्कत किसी तरह की ना हो। और वैसे तो सामान्य तौर पर भी और इस समय विशेषकर कोई भी इस तरह की हरकत कोई ना करे जिससे कि किसी की भावना या कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, संदेश दिया गया है कि कहीं कार्रवाई होती है, कोई सोशल मीडिया पे गलत गलत पोस्ट डालता है या अन्यथा इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और यही मैसेज जो है लोगों को दिया गया है। इसके अलावा अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क का प्रयोग करें, ये संदेश भी सभी दुकानदारों को, कस्टमर्स को, आम जनता को दिया गया है, और इसी के मद्देनज़र सुरक्षा का भाव जनता में रहे और शांति व्यवस्था बनी रहे, उसी के लिए बात। सर, अगर सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रहता है, और यहाँ हर बार अगर देखा जाए तो यहाँ काफ़ी जो है शांति का माहौल मिलता है सुखाबाद में, इस बार क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? पूरा शांति का माहौल रहेगा, यहाँ ईद जा रहे हैं तो रहेगा, फोर्स रहेगा, चौराहों पर फोर्स रहेगा, और बाकियाँ भी लगातार रन करेंगे, हम लोग भी लगातार विजिलेंट रहेंगे, तो 100% शांति मिलेगा। हम शहर की जनता के लिए सर कुछ कहना चाहेंगे त्यौहारों को देख करके? बस यही है कि सभी लोग हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, लेकिन इस तरह से मनाएं किसी दूसरे को कोई दिक्कत ना हो, दूसरे की भावना को ठेस ना पहुँचे, शांति बनी रहे, कोरोना का प्रसार भी ना हो, सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए सभी और अपना त्यौहार मनाएं और इस तरह का कोई काम न करें जिससे कोई शांति उत्पन्न। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।